सर वैसे तो ये लुक मैं 10 साल से कैरी कर रहा हूँ, पर ठीक है अभी एक मूवी आई तो वो लुक फेमस हो गया। ठीक है, वैसे दिए जले सॉन्ग बहुत अच्छा है। वैसे मैं 6 साल से रानी जी के साथ लगातार काम कर रहा हूँ, पर जो दिए जले सॉन्ग मुझे भी फर्स्ट बार हिंदी सॉन्ग में काम करने का मौका मिला। राजस्थानी गाने तो बहुत सारे किए मैंने, पर क्या है कि कुमार सानू जी के साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया शूट करने में। और वैसे 15 तारीख को रिलीज होगा ये गाना, 15 नवंबर को। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा शूट हुआ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सैड सॉन्ग है, थोड़ा रोमांटिक भी है, अच्छी स्टोरी है गाने की, और बहुत ही अच्छा लगेगा आप सभी को। रानी जी, आपकी म्यूजिक कंपनी है, उसके बारे में बताएं। जी, म्यूजिक कंपनी है रानी केसर। और कब स्टार्ट किया था आपने? ये 15 साल हो गए मुझे इस लाइन में, 15 साल से चल रहा है। और सॉन्ग मेरे 10-15 हज़ार सॉन्ग है जो मैं खुद ही लिखती हूँ, खुद ही गाती हूँ, और मैं एक्टर भी खुद ही हूँ, कंपनी भी मेरी खुद की है। जी, राजस्थानी की जनता बहुत सपोर्ट करती है हमें, और सब सॉन्ग मेरे मिलियन में है। जी रजत जी, आप क्या कहना चाहोगे, कैसे जुड़े हुए हो? पापा की वजह से आया और फर्स्ट टाइम है मेरा। बोलो जी, आप कभी मतलब एज ए प्रोड्यूसर थोड़ा बताया और क्या करते हैं आप? मैं तो एक्चुअली लैंड डेवलपमेंट करता हूँ, बिल्डर लाइन में हूँ, और छोटा मोटा फाइनेंस भी करता हूँ फिल्मों में। कुछ फिल्मों में फाइनेंस भी किया है मैंने, छोटा मोटा फाइनेंस किया है। और रानी जी तो मेरी मानी हुई बहन है मेरी, उनसे जुड़ा हूँ मैं अभी। तो उन्होंने कहा कि सॉन्ग करना है, चलो आ जाओ। मैं बोला पुणे आ जाओ, मैं तो पुणे में रहता हूँ, उनको बुलाया मैं पुणे में, ये आकर मिले मुझे। और बस उनका सॉन्ग करना है तो मैं बोला ठीक है चलो करते हैं, हिंदी सॉन्ग कर रहे हैं तो कर लेते हैं। तो कुमार जी से बात की और सॉन्ग बना गया। रानी जी, क्या कहोगे आप, दिए जले जो टाइटल है, क्या कनेक्शन है गाने का? कनेक्शन तो अच्छा ही है, बट मैं चाहती हूँ कि ये गाना, इसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहे। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है, जहाँ हमारे राजस्थान की जो जनता है, जो हमारे सॉन्ग को जिस तरीके से सपोर्ट करती है, जिस तरीके से हमारे जो व्यू आते हैं चैनल पे, उस हिसाब से तो लगता है सॉन्ग बहुत अच्छा जाना चाहिए। और इस सॉन्ग को राजस्थान की जनता सपोर्ट करे ताकि हम अगली बार और अच्छा सॉन्ग लेके आ सके, बस ये उम्मीद करती हूँ मैं सबसे। आपका और क्या फ्यूचर प्लान है आगे? क्या अभी तो क्या बनते ही रहेंगे सॉन्ग, बनाएंगे अभी एल्बम, और नेक्स्ट सॉन्ग का भी अभी वर्क चालू है अभी। चलिए माइक रख देते हैं। रानी जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपके आपने हजारों गाने गाए हैं, 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स आपके YouTube पर हैं। जी। लेकिन इससे पहले की आपकी जर्नी कैसी रही थी, आपकी शुरुआत कैसी रही थी? शुरू जर्नी तो नॉर्मली रही है, बट शुरुआत मेरी बहुत अच्छी रही है। जैसे मैं मार्केट में आई थी तो एक तूफान सा आ गया था राजस्थान में। जैसे पहले एक मैच आता था, पहले इतनी DVD वगैरह नहीं होती थी, तो एक दुकान पर लाइन लग जाती देखने के लिए। तो मैंने वो टाइम देखा है जब मेरा सॉन्ग DVD में चलता था, तो ऐसे पूरी लाइन लग जाती थी देखने के लिए कि रानी रंगीली का सॉन्ग चल रहा है। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। जहाँ मेरे शो होते हैं वहाँ 1.5-2 लाख ऑडियंस रहती है। राजस्थान से मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। तो हिंदी गाना गाने के लिए इतना समय क्यों लगा? ये हिंदी गाना एक्चुअल एक तो हमारी लैंग्वेज राजस्थानी है, फिर यहाँ से मेरा कोई कॉन्टेंट नहीं था, तो राजस्थान में मेरा बहुत अच्छा साम्राज्य है। बस ये चाहती हूँ कि बॉलीवुड पर्दे पे एक बार जरूर दिखूं। रंगीली नाम जो है आपका, वो कैसे पड़ा आपका? रानी नाम है मेरा ओरिजिनल, और रंगीली जो मेरे गुरु थे। जब मैं मंच पे डांस करने जाती थी तो पब्लिक एकदम से मतलब अलग ही हो जाता था माहौल। तो उन्होंने, मैं थोड़ा चुलबुल भी हूँ तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि आपका नाम रानी रंगीली, तो बहुत फेमस हुआ नाम मेरा। आपने अपनी सिंगिंग की तालीम कहाँ से ली, मतलब कोई आपका गुरु, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, सिंगिंग मेरा सीखा नहीं मैंने किसी से, और सिंगिंग में मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं खुद से ही सीखी हूँ। डांस में माधुरी जी को बहुत फॉलो करती हूँ, मेरे मैं उनके ज़्यादातर उन्हीं को फॉलो करती हूँ, मैं उन्हीं से सीखी हूँ बस। गौरव जी, आप बताएं इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे हुई?
मुझसे इन्होंने कांटेक्ट किया था राजस्थान से, तो कि बोले कि मुझे मिलना है आपसे, तो मैं बोला आ जाओ पुणे में, मैं पुणे में रहता हूँ। तो बोले मुझे इंट्री करनी है बोले बॉलीवुड में, तो मैंने कहा चलो कर देंगे, इसमें कौन सी दिक्कत है, कौन सी बड़ी बात है, आ जाओ आप। तो हम कुछ दिन पहले आए थे यहाँ पर मुंबई में, आकर पूरा माहौल देखा घूमा, बताया मैंने इनको, मिलाया कुछ लोगों से, उस प्रोड्यूसर से मिलाया। तो उसके बाद फिर की कहा कि हिंदी सॉन्ग करना है मुझे, तो मैं बोला कर लेंगे, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं। तो फिर गाना बना दिया जी। हाँ सर, आप जानना चाहेंगे गाने के बारे में, आपकी क्या कहानी है, किस तरह से आप रिलीज करें? सर वैसे क्या है कि हिंदी सॉन्ग काफ़ी सालों से सोच रहे थे हम करें, पर क्या बड़े लेवल पे करना था हिंदी गाना, तो मनोज सर से मिले, फिर क्या है कि इन्होंने बोला कि हम कुमार जी सानू के साथ करते हैं गाना। तो क्या गाने का कॉन्सेप्ट रानी जी के माइंड में वैसे एक दो साल से चल रहा था, दिए जले बहुत ही अच्छा इन्होंने टाइटल रखा, और क्या कि गाना इन्होंने लिखा, और फिर गाने को लिखने के बाद इसको एक बार हमने पहले रिकॉर्ड कर लिया था, डमी रिकॉर्ड करी थी इसकी, फिर उसके बाद हम मुंबई आए, फिर मुंबई में कुमार जी सानू के साथ इन्होंने ये गाना रिकॉर्ड किया, तो बहुत अच्छा गाना बना, ऑडियो बहुत अच्छा बना। फिर इसको वीडियो जो है हमने राजस्थान में शूट किया, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो दिए जले एक बहुत ही सैड सॉन्ग, और बहुत ही अच्छी स्टोरी है गाने की, रोमांटिक स्टोरी है, और हीरो हीरोइन की बहुत अच्छा इसमें मतलब बहुत अच्छी स्टोरी है और लव स्टोरी है, और बाद में दोनों अलग हो जाते हैं, उसके ऊपर ये थोड़ा कॉन्सेप्ट। महेंद्र जी, आपने बताया कि आप 6 साल से शायद रानी के साथ हैं, तो क्या क्या उनके साथ कौन से गाने किए? गाने वैसे राजस्थानी किए सारे, और उसमें डीजे सॉन्ग भी है, लव सॉन्ग है, गैंगस्टर सॉन्ग भी है, कई सारे सॉन्ग है, और सारे 100 मिलियन 200 मिलियन। और आप कहाँ से हैं? वैसे मैं 10 साल से इंडस्ट्री में हूँ, म्यूज़िक इंडस्ट्री में। तो मैं क्या पहले दूसरी कंपनीज में काम करता था, फिर रानी जी का बहुत बड़ा नाम था उस समय, मेरा इतना बड़ा नाम नहीं था, तो रानी जी से शूट के दौरान ही कॉन्टेक्ट हुआ, इन्होंने मुझे गाने के लिए बुलाया था, तो गाने में फिर मेरा काम देखा इन्होंने तो अच्छा लगा, फिर धीरे धीरे हमने 6 साल रेगुलर काम किया, एक जोड़ी हमारी वहाँ पर फेमस हो गई, रानी रंगीली और कुंवर महेंद्र सिंह करके, तो वहाँ अच्छी जोड़ी चलती है, हमारी ऑडियंस हमें बहुत लाइक करती है, इसलिए लगातार काम कर रहे हैं। आपका क्या बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड? फैमिली बैकग्राउंड मेरे मम्मी हैं, पापा हैं, छोटा भाई है, सिस्टर हैं, जिया जी हैं, और बहुत अच्छा फैमिली सपोर्ट है मेरा। और शुरू से मैं पहले डांस लाइन में था, कोरियोग्राफर था, फिर आगे जाके एक्टिंग में मेरा इंटरेस्ट हुआ, तो फिर एक्टर बना मैं, फिर उसके बाद लगातार यही कर रहा हूँ, अभी बॉलीवुड में आना है। तो रानी जी, आप मल्टी टैलेंटेड हैं, जैसे डांस भी आप करती हैं, गाना भी आपको गाती हैं, लिखती भी है, सबसे बड़ी बात है जी। ये सब क्या पहले से ही है वैसा, या फिर किसी से सीखा? नहीं नहीं पहले से ही है। राना जी, कोई फिल्मों का भी कोई प्लान है बॉलीवुड में? हाँ, चांस मिलेगा तो जरूर करेंगे। किस तरह का किरदार निभाना चाहती हैं? मैं मेन लीड एक्टर, किस तरह का? हाँ मतलब हाँ जी, कोई गाना आपका ये गुनगुनाना चाहेंगे दुराई? हाँ जरूर, यही सुना देती हूँ जो रिलीज होने वाला ऐसे ही ना। ये दिए जले मेरा जिया जले, ये दिए जले मेरा जिया जले, ये बारिश है क्या करे। थैंक यू सर। आप बताइए कैसे जुड़े हैं आपसे सर, आप लास्ट? रजत जी जी, मैं पापा के वजह से इसके साथ मेरा ये हुआ। एक्चुअली हम फैमिली रिलेशन है, लेकिन बहुत सालों के हम जब पार्टीशन के टाइम हम यहाँ आ गए थे, तो हमारा संपर्क टूट गया था राजस्थान से, हम वैसे राजस्थान से ही है, हमारे रिलेशन में ही है, तो बहुत सालों से रिलेशन में टूट गए थे। एक्चुअली हम फेसबुक के ज़रिए वापस जुड़े, हम फैमिली हमारी कम से कम 50 साल के बाद मिली होगी, 65 साल के बाद, सॉरी 65 साल के बाद हम मिले यहाँ। तो मिले ये रानी जी ने कॉन्टेक्ट किया था मुझे। नहीं, हम तो 65 साल पहले हम आ गए यहाँ पर, हमारे पिताजी और दादाजी, हमारे दादाजी एक्चुअली आ गए थे यहाँ पर, तो हम हमारा जो है इसके बाद जो रिलेशन रहता ना
तो उनके बाद हम तो राजस्थान में जाना बहुत कम हो गया था हमारा। हम जाते थे हमारे पूर्वजों की समाधि पर जाते आ जाते थे हम जी। फिर इन्होंने कि इनको कैसे पता चला, आइडिया नहीं है मुझे, मुझे कांटेक्ट किया इन्होंने से ही पता चला। तो हमारी जो समाधि है समाधियों से इनको पता चला, उनके जरिए हम मिल पाए ठीक रिलेशन में। रानी जी कितनी सोशल मीडिया पे एक्टिव है आप? बहुत हूँ। क्या क्या पसंद है, क्या करती हूँ? वो सिंगिंग ही करती हूँ मैं, और इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और यूट्यूब है। मैंने बताया ना पहले, मैं तो 10 साल से कैरी कर रहा हूँ, पर ठीक है वो यश जी ने केजीएफ मूवी बाद में आया, पहले इनका लुक राजस्थान में इन्होंने और ले सच में रियली है। काफी बोलते हैं लोग मुझे, मैंने कहा अभी उन्होंने मेरा कॉपी किया, मैंने थोड़ी किया क्या। बॉलीवुड से क्या कुछ उम्मीद है आप रखें, क्यों यहाँ पे एंट्री, क्योंकि आप ऑलरेडी पॉपुलर है, क्या कुछ नया आप करना चाहती हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप मल्टी टैलेंटेड है, फेमस है, पॉपुलर है राजस्थान में? करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बॉलीवुड में दिखना चाहते हैं, राजस्थान में तो है ही, पर यहाँ भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा हो जाए तो बढ़िया। तो हीरो में आपको माधुरी दीक्षित पसंद है, आपने कहा है हीरो में? हाँ माधुरी जी, हाँ जी, हीरो में, हीरो में, हीरो में अजय देवगन जी। मेरी पूरी फैमिली का फेवरेट है वो जी। बहुत अच्छा नेचर है उनका और बहुत अच्छा लगा मुझे और अच्छा हुआ सब। तो गाना किस लेवल पे आएगा और किस तारीख को आएगा ये? 15 तारीख को रिलीज हो रहा है, और मेरा जो खुद का कंपनी है उसी में रिलीज हो रहा है, रानी रंगीली यूट्यूब चैनल है मेरा, उसी पे रिलीज हो रहा है। आगे किस तरह से गाने आपके आ सकते हैं, आप लोगों के या कोलैबोरेशन या क्या कुछ? हाँ, ये बताना चाहिए, ये तो ये रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा क्या रिस्पॉन्स रहता है हिंदी का। अच्छा जी, राजस्थानी अल फोक सॉन्ग वगैरह में भी, फोक सॉन्ग वगैरह में भी बनेंगे अभी। अच्छा। राजस्थानी फोक सॉन्ग तो है बहुत, बेस पर बनेंगे घूमर वगैरह जैसे हैं। हाँ हाँ, वो सब भी आप आगे सुनकर जी। आइटम सॉन्ग है अभी, आइटम सॉन्ग की एक तैयारी चल रही है हिंदी। राजस्थानी सॉन्ग या ऐसा कुछ अगर आप गा सकते हो? हाँ हाँ, कुछ ऐसा अभी, जो अभी मेरा एक सॉन्ग है डीजे सॉन्ग, बहुत अच्छा चल रहा है, 200 मिलियन पर है, वो सुनाती हूँ मैं आपको। कमरिया लचके दिल मारो धड़के। इतने कहूँगी मैं बस, आगे नहीं आना चाहती हूँ। ये तो